स्टूडेंट जस्ट एजुकेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की टॉपिक है दूध और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, मिल्क। मिल्क क्या होता है, दूध क्या होता है? तो दूध स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वो विजाती पदार्थ होता है। विजाती मतलब होमोजाइगस मिक्सचर होता है, जिसमें प्रोटीन कोलाइडल फॉर्म में, फैट इमल्शन फॉर्म में और अदर मिनरल्स सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। दूध में सबसे पहली टॉपिक है प्रोटीन कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल प्रोटीन, फैट इमल्शन फॉर्म में एंड अदर मिनरल सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। दूध जो रहता है एक विजाती पदार्थ होता है, मतलब होमोजाइगस मिक्सर होता है। इसमें तमाम चीज होमोजाइगस मिक्सर होता है। होमोजाइगस मिक्सर मीन्स होता है विजातीय, विजातीय, विजातीय पदार्थ होता है। ये स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है। दूध के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, जैसे कि दूध का रंग। सबसे पहले हम रंग की बात करेंगे, कलर। तो हम देखते हैं कि भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है और गाय के दूध के रंग कुछ पीले रंग का होता है। तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण दूध का पीलापन। और बात करें दूध का सफ़ेद रंग, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को केसिन कहते हैं। इस केसिन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग। अब हम बात करें इसके दूसरे फिजिकल या भौतिक गुण के बारे में, तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जब हम किसी तापक्रम पे जल का घनत्व और उसके अनुपात में उस द्रव का घनत्व जिसका हमें आपेक्षिक घनत्व निकालना होता है उसकी तुलना करते हैं, तो इसी को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और दूध का आपेक्षिक घनत्व होता क्या है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व गाय के दूध का, भैंस के दूध के, बकरी के दूध का, तीनों का अलग अलग होता है। जैसे गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.030 तक, ये गाय के दूध का 1.030 से 1.032 तक, भैंस के और 1.033, ये बकरी के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है, जो बकरी के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है 1+CLR/1000। सॉरी, इसका क्या मतलब होता है? 1+CLR का मतलब होता है लैक्टोमीटर रीडिंग, जो लैक्टोमीटर काउंट आती है रीडिंग, उसके अनुपात में 1000 करने पर हमको ये आपेक्षिक घनत्व तो मिलता है। कभी कभी देता है कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 28 से 30, 30 से 32, 33। तो इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्ट उठा के लैक्टोमीटर रीडिंग को दे रहा है, ये आपेक्षिक घनत्व तो नहीं निकाल रहा है। हम अब बात करें अपने तीसरे भौतिक गुण के बारे में, तो तीसरा भौतिक गुण क्या होता है? वर्तनांक, वर्तनांक। वर्तनांक क्या होता है? जो जब किरणें, जब किसी मीडियम में कोई किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, ये विरल माध्यम है जैसे वायु और ये सघन मीडियम है जैसे दूध। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई किरणें आती हैं, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ये अभिलंब के तरफ झुक जाती हैं। इस यहाँ जो आती है किरण उसको कहते हैं साइन आई और इसको साइन आर। इनका अनुपात ही वर्तनांक कहलाता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो गाय के दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? गाय के दूध का मतलब है कि किसी भी दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3440 से लेकर 1.3880।
साइन आई बटे साइन आर, गाय के दूध का अपवर्तनांक कितना होता है 1.3440 से 1.3880 होता है। अब हम बात करेंगे चौथे फैक्टर की, चौथे गुण की, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम गाढ़ता भी कहते हैं। ये गाढ़ता क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, जो किसी भी द्रव्य के बहाव में रुकावट डाले उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो गाय के दूध में जो रुकावट पैदा करती है वो कितना परसेंट आता है, मतलब गाय के दूध की विस्कोसिटी कितनी होती है, तो 1.5 से 2 सेंटीपॉयज होती है। 1.5 से 2 सेंटीपॉयज इसकी क्या होती है, विस्कोसिटी, गाढ़ता। अपने पांचवें गुण के बारे में अगर हम बात करें तो पांचवा गुण होता है एसिडिटी, अम्लता। तो दूध में दो प्रकार की अम्लता पाई जाती है, सबसे पहले नेचुरल एसिडिटी, नेचुरल एसिडिटी, और प्लस डेवलप एसिडिटी। ये नेचुरल एसिडिटी और डेवलप एसिडिटी क्या होती है, तो नेचुरल एसिडिटी जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। प्राकृतिक अम्लता क्या होती है, जो दूध को जैसे ही गाय के दूध से, जैसे ही स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित होता है तो उस समय जो उसके अम्लता होती है जो लैक्टिक एसिड के कारण होती है तो उसको हम नेचुरल एसिडिटी कहते हैं। और डेवलप एसिडिटी क्या होती है, जब हम दूध को कुछ देर तक रख देते हैं उसमें तमाम प्रकार के जीवाणुओं की क्रिया के उपरांत जो अम्लता विकसित होती है उसको हम डेवलप एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी, गाय के दूध की एसिडिटी या दूध की एसिडिटी कितनी होती है, 0.16 से 0.18, ये दूध की एसिडिटी होती है। बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, विद्युत चालकता की, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता की बात करें तो गाय के दूध की विद्युत चालकता क्या होती है, तो 0.005 मिली महोज। ये यूनिट आप जरूर याद कीजिएगा, मिली महोज, MHO। गाय के दूध की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता कितनी होती है, 0.005 मिली महोज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी होती है। लगभग 1 डिग्री का तापक्रम बढ़ाने पर इसकी संचालकता लगभग, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है। अगर दूध का तापक्रम हम 1 डिग्री और सेंटीग्रेड बढ़ा दें, मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कितनी वृद्धि होगी, लगभग 20% वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं दूध के पीएच की। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये ऋणात्मक लघुगुणक होता है किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो गाय के दूध का पीएच 6.5 से लेकर 6.7 के मध्य में रहता है। मतलब कहीं कहीं आपके पेपर में 6.5 या 6.7 दे, या इसको बीच का हम 6.6 इसका पीएच मानते हैं दूध का। अब आते हैं दूध की कूलिंग, कूलिंग या हिमांक। पूछता है दूध का हिमांक बिंदु होता है, तो हिमांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है। तो दूध का हिमांक क्या होता है, 0.525 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.565 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में ये दूध क्या होता है, जम जाता है। अगर हम हिमांक की बात किए उसके बाद हम बात करते हैं हीटिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट। तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हिसाब से हमने अपना छठवां, सातवां और आठवां पॉइंट पढ़ा। अब हम नौवें पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो बल की वो बल जो 1 सेंटीमीटर धरातल को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो दूध का पृष्ठ तनाव कितना होता है, 40 से 60 डाइम्स होता है। कितने डिग्री सेल्सियस हुए, 20 डिग्री सेल्सियस डाइम्स पर सेंटीमीटर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल की वो मात्रा जो 1 सेंटीमीटर धरातल को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और गाय के दूध का पृष्ठ तनाव 40 से 60 डाइम्स पर सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने बफर वैल्यू।
बफर वैल्यू। बफर वैल्यू को हम प्रतिरोधक मान भी कहते हैं। बफर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक मान। ये प्रतिरोधक मान क्या होता है? जो मंद अम्ल और मंद क्षार के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, मतलब ये जो बफर वैल्यू है इसमें हम थोड़े से अम्ल या थोड़े से क्षार डालने पर इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो गाय के दूध का या दूध का बफर वैल्यू क्या होता है? तो 6 पीएच पे इसका बफर वैल्यू रहेगा 0.24 और 6.6 पीएच पे इसका बफर वैल्यू रहेगा 0.18। इसके बफर वैल्यू होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैल्यू, दूध की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 0.2 से प्लस 0.3 वोल्ट होती है। तो इस तरह से हमारी दूध तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बारे में हमने पढ़ा। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन था दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध के पीलेपन का कारण क्या है, दूध की विद्युत चालकता क्या होती है, दूध का वर्तमान क्या होता है और दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इस क्लास से मैं लेता हूँ अलविदा।